आज हम खड़े हैं गोविंदगढ़ की उस सड़क पर जो कि जुगियाना फाटक से और चंडीगढ़ को आपस में जोड़ती है। ये मेन वो मेन सड़क है जो कि कई कॉलोनियों की सड़क जुगियाना फाटक पे जाती है, जिससे कि आगे का रास्ता लोग तय करते हैं और चंडीगढ़ रोड पे जाती है, जिससे कि चंडीगढ़ वगैरह जाने के लिए तय किया जाता है रास्ता। परंतु इस सड़क पर इतनी परेशानियां हैं कि भाई 7 से 8 महीने हो गए हैं इस सड़क पर, अभी तक बजरी पड़ी हुई है, ना तो ये सड़क बनने के लिए रेडी हुई है ना इस पर कोई काम हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? श्रीराम सिंह। सर यहाँ पे क्या रोड को कितना टाइम हो गया से? रोड हो गया 2-2.5 साल तक। तो ये जो डली हुई है इस पे बजरी, इसको 2-2.5 साल हो गया? हाँ। इस बजरी से परेशानी क्या क्या आती है? छटकता है, गाड़ी घोड़ा जाता है, छटकता है, तरह करते हैं, पर लगता है हम लोग आते जाते में दिक्कत होता है, बच्चे लोग को भी दिक्कत होता है। तो आता है जाता है गाड़ी तो धूल उड़ के पड़ता है सब, यही दिक्कत है। कितना पानी हम लोग मारेंगे रोड से? तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? बनना चाहते हैं जो बन जाए। कुंदन कुमार सिंह। कुंदन जी, ये कौन सा इलाका है? गोविंदगढ़ है। फिर ये सड़क की क्या परेशानी है? यहाँ की सड़क बुरी हालत है। तो जो ये कॉलोनी है इसमें तकरीबन कितने लोग रहते होंगे, आबादी कितनी होगी? आबादी तो 10-12 हजार होगी। तो जो जब ये इस सड़क से नुकसान क्या क्या हो रहा है आपका? यहाँ से दुकान की शीशे से टूट जाती है, चोट लगती है। तो आपको कभी लगी है इससे चोट? 2-3 बार लगी हुई है। कहाँ पे? यहाँ लगी थी, सिर पे लगी थी। अच्छा, तो आपका जैसे मोबाइल का काम है तो इसका मोबाइल में भी कभी नुकसान हुआ है? 1500 की 2015 की हुई। तो वो नहीं चाहिए। बारिश होती है, बारिश के दिन जब स्कूल आते हैं तब गड्ढे में पानी भरे रहता है, बारिश और हम लोग जूते पहन कर आते हैं तब गीला, इसलिए चप्पल पहन कर आते हैं तब पैर में चुभ जाते हैं, पत्ता रहे, और गाड़ी आती है तो कहीं गड्ढा रहता है तो उछल के पैर में लग जाते हैं। जब हम सरपंच से मिले तो उन्होंने कहा कि सीवरेज की सफाई के कारण इस सड़क को अभी रोका गया है, जब सीवरेज की सफाई इस सड़क की मुकम्मल हो जाएगी तो ये सड़क बना दी जाएगी।